हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि सबको पता चल चुका होगा। और हो सकता है आपका नंबर आ भी गया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकल चुकी है, तो इसमें आप स्टार्ट करिए। तो इसके जो जीके है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम होते हैं उनमें से ही मोस्टली जीके आती है। तो मैंने कुछ कलेक्ट करे हैं आरआरबी 2016 के जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, तो उसके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो कलेक्ट किए हैं। उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, पहला पार्ट है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िए, और मैं इसके और भी पार्ट लाऊंगा अच्छे अच्छे अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और आपको कुछ अगर कुछ सजेशन लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे? जो इंडियन रेलवे है उसका स्लोगन क्या है? उसका स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो रेलवे में ज़रूर पूछे जाते हैं, जरूर मतलब ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। तो इसके तो सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए आप, तो इसके भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द गवर्नर ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का गवर्नर है वो कौन है? वो है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ नो रेलवे लाइन? ऐसी कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके पास रेलवे लाइन नहीं है अभी तक? वो कौन सी स्टेट है? वो मेघालय। कौन सी? मेघालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इंडियन रेलवे स्टार्टेड? जो इंडियन रेलवे स्टार्टेड हुआ था वो कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था। दोस्तों याद कर लीजिए, सबको ऑलमोस्ट पता होता है 1853 में हुआ था, लेकिन डेट याद नहीं रहती है, डेट में कन्फ्यूज आते हैं। तो 16 अप्रैल याद कर लीजिए अच्छे से, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ह्यूमन हार्ट प्लेस्ड इन ह्यूमन बॉडी? इन बॉडी जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें ह्यूमन का हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट या राइट? तो लेफ्ट साइड, ये ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो इजी जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? तो टेलीफोन है उसके इन्वेंटर कौन है, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ पीवी सिंधु? जो पीवी सिंधु है वो कौन है? पीवी सिंधु एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। कौन है? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर? जो हैवी वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक इन्वेंटेड बाय? जो डायनामाइट होता है, सॉरी डायनेमिक नहीं, डायनामाइट, डायनामाइट जो होता है उसका आविष्कार किसने किया है? वो किसने किया है? अल्फर्ड नोवल ने। किसने किया? अल्फर्ड नोवल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद बुक रिटन बाय? जो गीत गोविंद बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद बुक लिखी गई जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? जो ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया वो कहता कार्ल लैंडस्टेनर। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। तो कैपिटल दोस्तों याद कर लीजिए अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सीईओ ऑफ अमेजोन? अमेजोन के सीईओ कौन है? आई थिंक ये ऑलमोस्ट पता ही होगा, जेफ बेजोस। अगर नहीं पता तो आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जेफ बेजोस सीईओ तो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो अब जो फेमस कंपनीज हैं उनके तो याद कर लीजिए एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा फार्मूला? जो बेकिंग सोडा है उसका फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसके अंदर गैस होती है आर्गन। कौन सी गैस होती है? आर्गन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये SSC में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, कई जगह पूछा जाता होगा क्वेश्चन ये वाला। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। वट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई सेलिब्रेटेड एज? जो 1 जुलाई है उसको मनाते हैं हम नेशनल डॉक्टर डे के रूप में। किसके रूप में? नेशनल डॉक्टर्स डे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज युगांडा कैपिटल? जो युगांडा है, एक युगांडा एक कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है? तो उसकी कैपिटल क्या है? कंपाला। क्या है? कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंप्यूटर डे? जो वर्ल्ड कंप्यूटर डे वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो दोस्तों उसमें 20 क्वेश्चन थे, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बराबर में बेल का बटन होगा, उस पर प्रेस जरूर कर दें। उसको प्रेस करने से क्या होता है, हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टील लर्निंग। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी निकल चुकी हैं और मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट टू है उसका, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, याद करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, पल्स आर गुड सोर्स ऑफ, जो पल्स हैं वो गुड सोर्स, किसका गुड सोर्स है? तो वो क्या, किसका गुड सोर्स है? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्रेन रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है वो कौन सी है? वो है समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम ए स्पोर्ट्स पर्सन हु वाज इन न्यूज़ बिलोंग टू, जो मैरी कॉम थी वो न्यूज़ में रही थी कुछ दिन पहले, तो वो मतलब किससे बिलोंग करती हैं? वो बिलोंग करती हैं बॉक्सिंग से। तो दोस्तों, ये पुराने क्वेश्चन हैं, तो ये उस टाइम के करंट के थे, तो इनको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेलवे बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन नवंबर 1947 बाय, ये दोस्तों पूछा गया कि जो फर्स्ट रेलवे बजट था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मेथाई के द्वारा। तो मैंने इसमें 1947 भी ऐड कर दिया था कि आपको याद रहा है कब किया गया था, तो वो पूछ लेता कि हाँ कब किया गया था, फिर किसके द्वारा किया गया था। तो कब की बात करें तो 1947, और कब किया गया था तो उसकी बात करें तो जॉन मेथाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस गेटवे ऑफ इंडिया, तो फेमस गेटवे इंडिया है वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ जापान, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो कैपिटल और करेंसी ये याद कर लीजिए, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं आरआरबी में। तो हिस्टोरिकल कुतुब मीनार इज लोकेटेड, कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, ये सारे क्वेश्चन अक्सर आने वाले क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से याद करिए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, जो दादरा नगर हवेली है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी राजधानी है सिलवासा। क्या है? सिलवासा। WWW इन्वेंटेड बाय, जो WWW है वो उसके किसके द्वारा खोज की गई है? वो खोज की गई है टीम बैनर ली के द्वारा। किसके द्वारा? टीम बैनर ली के द्वारा। ये तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल इज सिचुएटेड एट, जो हवा महल है वो कहाँ पर है? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। CEO फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट के CEO हैं वो कौन है? वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF स्टैंड फॉर, जो IMF है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो IMF फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ B5, जो विटामिन 5 होता है B5, तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नेम क्या होता है उसका? उसका रासायनिक नेम होता है पेंटाथोनिक। क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड। तो रासायनिक नेम भी आप याद कर लीजिए, ABC सारे सब याद कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे B5 का बहुत कम पूछा जाता है रेयर केस में, मोस्टली विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी या फिर बेटा B6 का पूछा जाता है। बी में एक्चुअली कई वैरायटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन इंडिया, कौन से स्टेट है जो लैंड ऑफ 5 रिवर कहलाता है? वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ बिहार, जो बिहार के गवर्नर हैं, ये दोस्तों ये पुराने क्वेश्चन है उस टाइम के, लेकिन अभी मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि अभी चेंज हुए हैं, लालजी टंडन आ गए हैं गवर्नर ऑफ बिहार जो करंट के हैं अभी। ये अभी RRB के एग्जाम जो होते ग्रुप डी के, उसमें भी पूछा गया था कई क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन महात्मा गांधी डेड, जो महात्मा गांधी है उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों डेट जरूर याद कर लीजिए, डेट अक्सर भूल जाते हैं लोग, 1948 तो याद होगा, तो 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी नोबल प्राइज अवार्ड आर अवार्डेड ईच ईयर, जो हर साल में नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं, मैक्सिमम कितने जाते हैं? तो मैक्सिमम 6 होते हैं, वो 6 टाइप के, मीन्स 6 टाइप के होते हैं जो हर साल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे पुराना डैम कौन सा है इंडिया में? सबसे पुराना डैम है कालानी डैम। कौन सा है? कालानाई डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टका। क्या बोलते हैं? टका। तो दोस्तों दूसरा पार्ट के लिए हो चुका है, मैं जल्दी तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट भी आपका शेयर करिए ताकि हमें पता चलता रहे हम कैसे कैसा बना रहे हैं वीडियो, या फिर कोई अगर मिस्टेक होती है या फिर कुछ भी अगर लगता है आपको तो सजेस्ट भी कर सकते हैं आप कमेंट में। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टील लर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हो, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी निकल चुकी है और उसके मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक पार्ट आ गया पहले, दूसरा पार्ट भी आ गया, ये तीसरा पार्ट बना रहा हूँ मैं। इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको पहली वीडियो पसंद आई काफ़ी, तो मैं ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस में आए थे, जो कि इन फ्यूचर आएंगे काफ़ी सारे। तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसके आपको पता है रेलवे के अंदर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इनको स्टार्ट करते हैं।
ये तीसरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेर इज ही, सॉरी गलत हो गया, वेर इज द होता है, वेर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्टेटेड, जो सॉरी ये गलत दिखा गया है, रेलवे का इंस्टीट्यूट जो मैकेनिकल और इंजीनियरिंग वाला वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, जबलपुर में। तो दोस्तों जबलपुर में किस, जबलपुर में किस जगह, बिहार में। तो जो आपको ऑप्शन देता है तो उसमें जबलपुर भी देता है, बिहार भी देता है, लेकिन मोस्टली जबलपुर देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर कहाँ पर है। तो उसके इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जबलपुर में, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थन रेलवे, जो नॉर्थन रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे, जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है सॉरी कब होता है, 4 फरवरी 1948 को होता है, कब होता है, 4 फरवरी 1948 को, तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे भी पूछ लिया जाता है अक्सर। पीएच मान ऑफ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो ह्यूमन बींग का पीएच मान होता है 7.4, कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज हाजीपुर सिटी, जो हाजीपुर सिटी है वो किस जगह पर है, किस स्टेट में है, वो है बिहार में, कहाँ पर, बिहार में है। नेक्स्ट, वेन स्टार्टेड फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेल इन इंडिया, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेल है इंडिया में चली थी वो कब चली थी, वो चली थी 3 फरवरी 1925 को, 1925 याद रहे, 3 फरवरी चली थी, कब, 3 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो कहाँ पर है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, गोरखपुर में, कहाँ पर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कौन सा, गोरखपुर सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कोड इज +91, ये तो सबको पता ही होगा, +91 कोड जो है एसटीडी कोड है इंडिया का, तो इसका आंसर इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रेलवे जोन इन इंडिया, रेलवे जोन कितने इंडिया में, वो है 17, जैसे आपको पता है पहले 16 थे, उससे पहले कम थे, वो बढ़ते गए बढ़ते गए, अब कितने हो गए, अब 17 हो चुके हैं, करंटली 17 है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बांग्लादेश फ्लैग, जो बांग्लादेश का फ्लैग है उसका रेशो कितना है, तो उसका रेशो कितना है, 10.6, कौन सा है, 10.6। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया, जो सबसे लंबे डिस्टेंस वाली ट्रेन है इंडिया में वो कौन सी है, तो सबसे लंबे डिस्टेंस वाली ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है, और डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम में, और कन्याकुमारी कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो मैंने इसलिए पूरा लिख दिया डिटेल से देने के लिए, ताकि पता होना चाहिए डिब्रूगढ़ किस जगह पर और कन्याकुमारी किस जगह पर, हो सकता है वो कल को ऑप्शन में डिब्रूगढ़ ना दे, कन्याकुमारी ना दे, असम दे दे, तो पता होना चाहिए। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है, और नाम क्या ट्रेन का, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लेडी लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, जो फर्स्ट लेडी लोकसभा स्पीकर इंडिया थी इंडिया में वो कौन थी, वो थी मीरा कुमार, कौन थी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड विनर इन 2017, जो 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी थी वो कौन थी, वो बनी थी मानसी चिल्लर, कौन, मानसी चिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द चार मीनार, जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने कराया, उसका निर्माण किसने कराया था, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, किसने कराया था, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री, जो मैत्री एक्सप्रेस चलती है वो किन दो कंट्री के बीच चलती है, वो चलती है इंडिया बांग्लादेश, कहाँ पर चलती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। क्वेश्चन, कर्ड हैज़ विच एसिड, जो कर्ड है उसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन, GDP स्टैंड फॉर, जो GDP है उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या क्या फुल फॉर्म है उसकी, तो उसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है उसका नेशनल गेम क्या है, उसका नेशनल गेम है हॉकी। क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HTML इन कंप्यूटर, जो HTML यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक बेसिकली एक बेसिक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसका यूज़ किया जाता है HTML के जो पेज क्रिएट होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। तो दोस्तों यही थे 20 क्वेश्चन, तो थर्ड पार्ट में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कीजिए, बट कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए, और ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं RRB NTPC 2019 के ये वैकेंसी निकल चुकी हैं, तो इसका एग्ज़ाम भी शायद मई या जून में हो जाएगा, दोस्तों इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए,
हमने भी स्टार्ट कर दिया है। इसकी जो मैंने अभी तीन पार्ट डाल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं ये फोर्थ पार्ट डाल रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रेलवे में क्या होता है, मोस्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो सारे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, साउथ रेलवे हेडक्वार्टर स्टूडेंट एट, जो साउथ रेलवे हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो किस जगह, चेन्नई में है, किस जगह, चेन्नई में। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्लेयर इन पोलो, जो पोलो है उसके अंदर कितने प्लेयर होते हैं, उसके अंदर फोर्थ प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन फर्स्ट रेल स्टार्टेड इन वर्ल्ड, जो फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी पहली बार, तो हुई थी 1825 में। कब हुई थी, 1825 में वर्ल्ड में, जो कि, और जो इंडिया में हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे इन्वेंटेड बाय, जो एक्सरे है इसको उसको खोज किसके द्वारा की गई है, तो एक्सरे खोज की गई थी विलियम कोनार्ड रेंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सूत्र बुक बाज रिटन बाय, जो न्याय सूत्र बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई थी आकाश पांडा गौतमा के द्वारा, किसके, आकाश पांडा गौतमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ड्रीम्स कॉल्स, जो स्टडी ऑफ ड्रीम्स होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओरिनोलॉजी, क्या कहता है, ओरिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, जो JPEG होती है जो कि एक पिक्चर का फॉर्मेट होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, जो सबसे बड़ा ब्रिज है इंडिया में रेलवे का वो कौन सा है, वो है बैम्बैंग ब्रिज, कौन सा है वो, बैम्बानट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोवाइड बाय सन रेज, जो सन रेज के द्वारा विटामिन मिलता है वो कौन सा है, वो होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द गवर्नर, जो गवर्नर है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होती है, रिक्वायर्ड कितनी होती है, वो होती है 35, मिनिमम 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ मिल्क, जो मिल्क होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी pH वैल्यू होती है हमारी 60.7 से 60.5 तक, 60.5 से 60.7 तक, तो ठीक है इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी फाउंड बाय, जो गदर पार्टी है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी, वो की गई थी लाला हरदयाल सिंह, किसके, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ FTP, जो FTP है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो FTP फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे JPEG हो गया, FTP हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट नागानंदा, जो नागानंदा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है हर्ष के द्वारा, किसके, हर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स फॉर महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट है वो कितनी है, तो राज्यसभा की सीट कितनी है, 19 है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद व सुल्तान ऑफ विच प्लेस, जो मोहम्मद थे वो किस प्लेस के सुल्तान थे, कहाँ के सुल्तान थे, तो वो कहाँ के थे, गजनी के, कहाँ के, गजनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रल, जो ब्लू विट्रल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, वो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, किसकी, जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, तो ये डिस्कवर्ड कब की गई थी, 1897 में की गई थी, डिस्कवर्ड की गई थी 1897 में, और किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो दोनों मैंने डाल दिए साथ में ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, जल्दी याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो कब डिस्कवर्ड किया गया था, सॉरी ये तो रिपीट हो चुका, वही हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो श्रीनगर है वो किस बैंक के किनारे बसा हुआ है, वो बसा हुआ है झेलम रिवर के किनारे पर, कहाँ पर, झेलम रिवर जो है उसके किनारे पर बसा हुआ है श्रीनगर। दोस्तों ये क्वेश्चन थे, आप इसको देखिए, सीखिए, और आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अच्छे ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं RRB NTPC 2019 की यहाँ पर हमारी GK की सीरीज चल रही है, जिसके कि मैं चार पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये पांचवा पार्ट है। सारे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए।
दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड एट, जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है हमारा, बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है, बड़ोदरा गुजरात में। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होता है, कभी बड़ोदरा दिया होता है, कभी गुजरात दिया होता है, तो आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं, दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड एट, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ AICTE, जो AICTE है उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फ्लाई फाइटर जेट, जो फाइटर जेट उड़ाया गया था फर्स्ट इंडियन वुमेन के द्वारा, वो कौन थी। वो थी अवानी चतुर्वेदी। कौन थी, अवानी चतुर्वेदी। नेक्स्ट, द फर्स्ट IPS ऑफिसर वुमेन ऑफिसर वाज, जो वुमेन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी वो कौन थी। वो थी किरण बेदी। नेक्स्ट, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वाज स्टार्टेड इन, जो शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी। वो हुई तो 1988 में। कब हुई थी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, जो विकीलीक्स है उसके फाउंडर कौन है। तो उसके फाउंडर हैं जूलियन असेंज। कौन है, जूलियन असेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वो कौन सा देश है। तो कौन सा देश है, वो चाइना है। कौन सा है, चाइना। नेक्स्ट है, DCM ट्रॉफी एसोसिएट विद विच गेम, जो DCM ट्रॉफी है वो किस गेम से बिलोंग करती है, किस गेम में दी जाती है। तो किस गेम में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है। किस में, फुटबॉल में। ट्रॉफी के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप इनको सब याद कर लीजिए, सारी जितनी ट्रॉफी मिलती हैं, हॉकी में मिलती हैं, फुटबॉल में मिलती हैं, क्रिकेट में मिलती हैं, सब याद कर लीजिए। तो ये DCM किस में मिलती है, फुटबॉल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। वो की गई थी 30 दिसंबर 1906 में। कब की गई थी, 30 दिसंबर 1906 में, जो कि 1906 तो याद है सबको, लेकिन 30 दिसंबर याद कर ले, डेट याद कर ले एक बार अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन में दिया होता है, अगर ऑप्शन में देंगे तो दे देंगे 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 29 दिसंबर, तो बंदा कन्फ्यूज जाता कोई भी, तो इसलिए याद रखना है हमेशा 30 दिसंबर 1906 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, जो पुर्तगाल है उसकी कैपिटल क्या है। उसकी कैपिटल है लिस्बन। क्या है, लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ GNP, फुल फॉर्म ऑफ GNP की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन विच स्टेट, जो पहली मेट्रो रेल स्टार्ट की गई थी वो कहाँ की गई थी। तो पहली मेट्रो रेल स्टार्ट की गई थी कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। इंडिया की बात चल रही है, उसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सिक्किम वाज फॉर्म, जो सिक्किम हमारा राज्य है वो कब बना था, मतलब कब बना था। वो बना था 1975 में। कब बना था, 1975 में। नेक्स्ट, सज्जन प्रकाश रिलेटेड टू, जो सज्जन प्रकाश हैं वो किस से रिलेट करते हैं, किस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो रिलेट करते हैं स्विमिंग से। किस से, स्विमिंग से, वो एक स्विमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ अंट इज कॉल्ड, जो अंट्स है, जो चीटियाँ हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माई मैकोलॉजी। क्या कहा जाता है, माई मैकोलॉजी। तो ये कहता है चीटियों की स्टडी को। तो ये साइंस के क्वेश्चन है, ये और भी इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्टों में उसको बताया गया है। तो उसके होते हैं 3 पार्ट। कितने होते हैं, 3 पार्ट। फुल फॉर्म ऑफ NIC, फुल फॉर्म ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड एट, जो इंटरपोल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन में। कहाँ पर है, लियोन, जो कि एक सिटी है फ्रांस की। क्या है, लियोन, लियोन एक सिटी है फ्रांस की। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, लियोन में है, जो कि फ्रांस में। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ डेनमार्क, जो डेनमार्क है, डेनमार्क एक कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है। उसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या है, कोपेनहेगन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, जो कि मैं लेके आया था। 5 पार्ट पूरे हो चुके हैं दोस्तों। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्त, अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। आपको अगर पसंद नहीं आ रही वीडियो तो डिसलाइक करिए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मैं किस तरह से और वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए अच्छी, ताकि। और ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।